हेलो दोस्तों, आई एम सुजीत कुमार, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। आज हम एक विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। अंत का समय चल रहा है, आपको पता ही होगा, और शैतान भी अपना तीर बहुत जोरों से चला रहा है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है भैया कि आप स्वर्ग जाएं। उसका एक ही मकसद है, रहता है अपने साथ लाखों करोड़ों आत्माओं को नर्क में ले जाना। आज कुछ ऐसे मसीह हैं जो प्रभु में अपना जीवन ईमानदारी से बिता रहे हैं, और कुछ ऐसे मसीह हैं वे अपना जीवन ऐसे बिता रहे हैं कि उन्हें कभी मरना ही नहीं है। जैसा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 12-13 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। देख, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। यीशु ने कहा है, और हर एक मनुष्य का प्रतिफल मेरे पास है, क्योंकि अल्फा ओमेगा, आदि और अंत यीशु मसीह है। रोमियो 3 अध्याय के 23 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वचन में साफ और स्पष्ट रूप से लिखा है, बाइबल बताती है कि धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे पाप न हुआ हो, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की सजा तो मृत्यु है, जैसे रोमियो 6 अध्याय के 23 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो हमने खुद कमाया है, जिसकी सजा नर्क में अनंत काल की है, जो कभी ना बुझने वाली आग है। दुष्ट के लिए सजा नर्क की मृत्यु है। मत्ती 25 अध्याय के 41 वचन में लिखा हुआ है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत काल की आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। नर्क शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया था, मगर आज मनुष्य पाप कर रहा है तो परमेश्वर उसमें क्या करे, क्या करे मेरे प्रियो, क्या करे। दानियल 12 अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के लिए जीवन के लिए, और कितने तो अपने नाम धराए के लिए सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए ठहराए जाएंगे। जो भूमि के नीचे, मतलब जो मर चुके हैं, वे सब फिर से जाग उठेंगे जब यीशु मसीह आएगा, और जो यीशु मसीह में ईमानदारी से अपना जीवन बिताते थे, वे अनंत जीवन बिताएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। और जो नाम धराई हैं, जो सिर्फ नाम के मसीह हैं, वे लोग अत्यंत घिनौने ठहरेंगे। अभी आगे आपको बताया जाएगा, जैसे मरकुस 9 अध्याय के 44 और 49 वचन में लिखा हुआ है, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता है और न आग बुझती है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, उन लोगों को यहाँ डाला जाएगा, नर्क में डाला जाएगा, न्याय करके, जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता है, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती है, जहाँ पर उन लोगों को डाला जाएगा। मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है 16 अध्याय के 23 और 24 वचन में, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँखें उठाई, और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को मेरे पास भेज दे, वह अपनी उंगली का सीरा भिगोकर मेरी जीभ को पानी से ठंडी करे, क्योंकि मेरी जीभ इस ज्वाला में तड़प रही है। जैसे धनवान उस ज्वाला में एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है, वैसे ही जो व्यक्ति उसमें डाला जाएगा, वह एक बूंद पानी के लिए तड़पेगा। बहुत हार्ड आग होगी वहाँ की, जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है मेरे प्रियो। दूसरा तिस्लुनिकियों 1 अध्याय के 9 वचन में लिखा हुआ है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे, तो अनंत काल का दंड देगा, वे लोग अनंत काल के लिए तड़पाए जाएंगे, जहाँ का धुआं युगानुयुग उड़ता रहता है। जैसे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 10 वचन में लिखा हुआ है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। वह एक ऐसा स्थान है जहां दुष्ट लोग रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे।
वहाँ चैन नहीं मिलेगा, ऐसा मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय के 46 वचन में लिखा हुआ है। और यह अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी जीवन में प्रवेश करेंगे। दुष्ट लोगों को अनंत दंड दिया जाएगा, अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी लोग स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाएंगे। नरक एक ऐसा स्थान है जहां दुष्ट लोग हमेशा हमेशा के लिए तड़पते रहेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। गुड लक।